पवन के जीवन के इन पांच औरतों ने बदल दी पवन के जीवन की तकदीर और तस्वीर। आइए जानते हैं पवन के जीवन की इन पांच औरतों के बारे में जिन्होंने पवन के जीवन में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। पहली है भोजपुरी की जानी मानी एक्ट्रेस रानी चटर्जी। रानी और पवन की मोहब्बत परवान चढ़ी एक फिल्मी सेट पर। दोनों के दिल जमा थे और दोनों के दिलों में बराबर लगी थी मोहब्बत की आग। उम्र की दरकार भी थी, दोनों कब एक हो गए ये पता ही नहीं चला। हमारे सूत्रों की माने तो रानी पवन को लेकर बहुत सीरियस थी और वो उनके साथ सेटल भी होना चाहती थी, लेकिन फिर पवन का दिल धोखा दे बैठा। रानी को लेकर पवन उतने सीरियस नहीं थे जितनी रानी थी, और पवन फिर दूसरी लड़कियों में इतने इन्वॉल्व हो गए कि रानी ने उनसे दूरी बनाना ही बेटर समझा। पवन के साथ रानी ने दूरी तो बनाई ही, साथ ही उन्होंने कसम खा ली कि वो कभी भी पवन के साथ फिल्मी पर्दे पर दोबारा नहीं दिखेंगी। पवन की लाइफ से रानी की एग्जिट क्या हुई, पवन की लाइफ में दूसरी औरत और उनकी पहली पत्नी रीना रानी ने एंट्री मार ली। पवन का ये बेमेल विवाह, उनकी शादी गुड्डे गुड़ियों की शादी की तरह थी। रीना पहले से ही तलाकशुदा थी और एक बच्चे की माँ थी। उनकी और पवन की शादी सिर्फ 3 महीने चली। आपसी मनमुटाव की वजह से इनमें तलाक हो गया। इनकी लाइफ में रीना कब आई और कब चली गई किसी को पता ही नहीं चला। पवन की लाइफ में तीसरी औरत आई, पवन की दूसरी पत्नी नीलम। पवन की दूसरी पत्नी नीलम गांव की सीधी साधी और पवन के प्रति समर्पित महिला थी। वो कहते हैं ना कि आपके जीवन में निस्वार्थ प्यार लेकर कोई एक बार आता है और हर बार तो सिर्फ सौदेबाजी होती है। नीलम के प्यार में भी पवन के लिए निस्वार्थ प्यार था, लेकिन ये पवन की बदकिस्मती ही थी कि नीलम के प्यार को वो कभी समझ ही नहीं पाए, जिसे त्रस्त होकर नीलम ने आत्महत्या कर ली। पवन के घर में ही उन्होंने अपने आप को फांसी लगा ली। फिर आई पवन के जीवन में चौथी महिला अक्षरा सिंह। भले ही अक्षरा सिंह ने अपने प्यार का इजहार कभी भी पब्लिकली पवन सिंह से नहीं किया, लेकिन इनका प्यार किसी से छुपा ही नहीं। खेसारी से प्यार में ब्रेकअप के बाद अक्षरा को भी किसी की जरूरत थी, और वहीं नीलम के मौत को गम को भुलाने के लिए पवन को भी किसी के कंधे की जरूरत थी, और दोनों एक दूसरे के पूरक साबित हुए। पवन और अक्षरा एक दूसरे के साथ साये की तरह रहते। जब लगा कि दोनों अब शादी कर लेंगे, तभी फिर से पवन के दिल ने धोखा दे दिया। अब तो भाई दिल तो बच्चा है और थोड़ा कच्चा है, पवन के मामले में ये तो आम बात हो गई। पवन ने 6 मार्च को बगैर किसी को भनक लगे ज्योति सिंह के साथ शादी कर ली। ज्योति बलिया की रहने वाली है और पवन की बचपन की फैन है। वैसे भी नीलम की तरह ज्योति भी गांव की सीधी साधी लड़की नजर आती है, क्योंकि उनकी पूरी परवरिश गांव में ही हुई है। अब तो हम सब यही उम्मीद करेंगे कि पवन के जीवन में जिस तरह ज्योति आई है, उसी तरह से अपने प्यार और अपनेपन से पवन का जीवन खुशियों से भर दे, उनके जीवन में एक ठहराव लाए, ताकि उनका दिल अब किसी और पे ना फिसले। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।